सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर ना रेडमी के तरफ से ना नया स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है रेडमी A1। और ये आता है आपको सिर्फ 6500 रुपये में, आपको ये मिल जाता है आपको इनके जो वेबसाइट है उन पे। तो इनकी बात कीजिए, ये है नया स्मार्टफोन रेडमी A1 के नाम से, जो आपको फाइनली लॉन्च हो जाएगा बस थोड़े दिन और। और इस स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारा। तो बात कीजिए पहले इसका जो फ़ोन का जो कलर है वो तीन कलर में आता है, जो है पहला तो ग्रीन है, दूसरा ब्लू है, उसके बाद ब्लैक है। आपको ये जो है तीन कलर से स्मार्टफोन के साथ जो काफ़ी तगड़ा कॉम्बिनेशन लगता है, मतलब कलर्स के मामले में ना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा आगे, डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है स्मार्टफोन का। लेकिन अभी बताएँगे इसका डिसअपॉइंटिंग चीज़ भी क्या है, सारा सब कुछ बताएँगे इस वीडियो में, तो अंत तक रहना। तो इसमें मिलती है आपको लेदर टेक्सचर की डिज़ाइन, जो मिलती है आपको जो जैसे कि आपको लेदर बेल्ट्स मिलते हैं ना, लेदर बेल्ट्स लेदर बैग वैसा वाला डिज़ाइन मिलता है आपको। और इसमें मिलती है बिगर डिस्प्ले, 6.52 इंच की बिगर डिस्प्ले मिलती है जो IPS LCD डिस्प्ले। और इसमें मिलती है मैसिव बैटरी जो है 5000 mAh की, एक हाई कैपेसिटी बैटरी इसके अंदर आपको फुली मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा काम करेगा आपको लॉन्ग टर्म में यूज़ में। उसके बाद इसमें मिलता है Mediatek Helio A22 का प्रोसेसर, काफ़ी ज़्यादा पुराना प्रोसेसर है। लेकिन रैम जो दिया गया LPDDR4X रैम, जो इस दाम पे कोई स्मार्टफोन नहीं देता, इसमें मिलता है आपको क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस विद एंड्रॉयड 12। ठीक है, इसमें ना एंड्रॉयड 12 मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें मिलता है 8 MP का बैक कैमरा, ड्यूल बैक कैमरा, और जो 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। बाकी बात कीजिए इसके जो कैमरा क्वालिटी है ना, वो डिसेंट सी होने वाली, मतलब ना ही ज़्यादा अच्छी होने ना ही ज़्यादा बुरी होने वाली है। यहाँ पे जो इनके जो सैंपल्स दिए ना वेबसाइट पे, उन पर भरोसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई कुछ भी कर सकते हो कंपनी वाले। ठीक है, और इसमें मिलती है आपको दो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट। और इसमें मिलता है आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक, उसके साथ आपको मिलता है Type-B पोर्ट। तो यहाँ पर ना Xiaomi ने कमी की है, क्योंकि Type-C पोर्ट दे सकते थे। तो ये था आज का Mi A1 स्मार्टफोन, न्यू स्मार्टफोन।